नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम से सर्वव्यापी परमात्मा का सेवक, जिसका काम है आपको संपूर्ण योगिक लाइफस्टाइल सिखाना, जिससे आपका जीवन बिना दवाइयां स्वस्थ और मस्त हो। मित्रों, लय प्राणायाम तक हमने श्वासों पर काम किया। जो भी हम अभी तक क्रिया सीखे हैं, वह श्वास नियंत्रण करने हेतु महत्वपूर्ण टेक्निक हमने जाने हैं। श्वासों पर नियंत्रण आने के बाद ऑटोमेटिक मन भी नियंत्रित हो जाता है, जो हमारे शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है। अभी हमने मन को पावर ऑफ प्रे मतलब प्रार्थना की शक्ति से संस्कारित करना शुरू किया है। मित्रों, अभी अगले पड़ाव मन यह विषय पर सीखना शुरू हो गया है। मन को नियंत्रण करने हेतु और शांत और आत्मा में समर्पित करने हेतु आज हम सीखने जा रहे हैं ध्यानातीत ध्यान। यह अवस्था मन के पार की अवस्था है। यह अवस्था निर्माण करने हेतु आज हम मेडिटेशन सीखने वाले हैं। मेडिटेशन के सभी सत्य और मिथ आपको हमने कुंडलिनी के सात चक्र, यह हमारा ऑडियो में समझाया है। नहीं देखे है तो जरूर देखें। मित्रों, कोई भी आसन जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठ सकते हैं, वैसे आरामदायक आसन में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, आपकी नेक सीधी होनी है। आराम से बैठें, दोनों आंखें बंद करें। हमारी आँख ही सबसे ज़्यादा मन को भटकाती है, उसके लिए आप शांति से बंद करें। पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लाए। श्वास अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। सिर्फ श्वास को साक्षी भाव से देखें। यह प्राणायाम नहीं, श्वास लेना और छोड़ना नहीं। जो भी प्राकृतिक श्वास आ रहा है और जा रहा है, उसे बस साक्षी भाव से देखे। पूरा ध्यान श्वासों की ओर। श्वास के सत्य को समझे। श्वास ही जीवन है। जब तक श्वास है, तब तक हम हैं। श्वास रुक गया, जीवन खत्म। इसलिए मित्रों, श्वास को ही परमात्मा समझे। जो परमात्मा आपके शरीर में ऑक्सीजन लेके प्रवेश करते हैं और सभी शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। हर कोशिकाओं में हमारा परमात्मा विराजमान है। जब श्वास छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ परमात्मा हमारे सारे तनाव, दुख, परेशानियां शरीर के बाहर ले जा रहा है। इस तरह से महसूस करें। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। सिर्फ श्वासों को साक्षी भाव से देखना है।
मित्रों, सत्य को समझो, श्वासों को देखना ही परमात्मा को देखना है। इसलिए पूरा ध्यान अपने श्वास पर रखे। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, यही भक्ति है, यही परमात्मा है। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर। मन का स्वभाव है भटकना, और वह भटकेगा, भटकेगा जरूर। वापस मन खींच कर श्वास पर लाए। जितनी बार भटक रहा है उतनी बार उसे श्वासों पर केंद्रित करें। मन से संघर्ष मत करें, पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। यह ध्यान विपश्यना ध्यान के अंतर्गत अनापन सति नाम से भी जाना जाता है। जब तक बैठ सकते हो बैठे, कम से कम 10 मिनट बैठे, जितना ज़्यादा समय बैठ सकते हो अच्छा है। अपने समय के मुताबिक आपका नियोजन करें। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। मन भटक गया, वापस पकड़ कर उसको श्वासों पर लाओ। बार बार लेके आओ। एक बार
केंद्रित होना सीख गया वो सातत्यपूर्ण रहेगा। पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। निर्विचार अवस्था धीरे धीरे निर्माण हो रही है। श्वासों की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। सिर्फ श्वासों को देखना है, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई नामस्मरण नहीं, सिर्फ श्वासों को देखना है। यही सर्वव्यापी परमात्मा है, बस यही जीवन है। देखते रहे, देखते रहे। परमात्मा की सच्ची भक्ति है और यहाँ से ही कृपा का जन्म होता है। मित्रों, धीरे धीरे हमें मेडिटेशंस के बाहर आना है। धीरे से अपनी आंखें खोले। अपने दोनों हाथों को उष्मा घिसिए और एक उष्णता निर्माण करें और बाद में दोनों अपने आँखों के ऊपर रखें, मुंह के ऊपर घुमाएं। परमात्मा को धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस मित्रों, इसी तरह से ज़्यादा समय मेडिटेशंस की प्रैक्टिस करें, अवश्य जीवन बदलेगा, अवश्य जीवन बदलेगा। आज यहाँ तक ही, आगे के भाग में हम मिलते हैं। यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे योगिक लाइफस्टाइल के अगले भाग आप देख सकें। धन्यवाद मित्रों, आपका मन नियंत्रित हुआ है, अब आप जीवन में परिवर्तन के लिए तैयार हो गए हैं, अगली उड़ान के लिए आप तैयार हो गए हैं। अभी हम धीरे धीरे मन के विषय में समझने जा रहे हैं। तो मित्रों, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।